2 years into the pandemic, we definitely need to find out ways to connect students back to school. कैसे लड़कियों को गांव में इकट्ठा करें, कैसे लड़कियों को फोन करके घर से बुलाएं? Our children or our mentees are also facing many other problems, like say it could be domestic violence, it could be sexual abuse, and that is a reality that we can't forego. जैसे कि मेरे पापा बोलते हैं कि अगर तू लड़का होता तो तेरे को जो करना है वो कर सकता है, पर तू लड़की है तो तुझे कुछ चीज़ें जो तू नहीं कर सकती, तो मुझे ये बातें ये है कि क्यों मैं नहीं कर सकती. So I think something so basic as safety is taking labor. That means somewhere we are all failing. So it's really sad that there has to be a whole program for this, but I am glad that there is a program in place for this. इस वक्त हम लोगों ने कुछ सेशंस लिए हैं, 5 सेशंस थे. उसमें बच्चों के साथ अपने बारे में जानने की एक मौका देते हैं जहाँ पे वो खुद को जान सके. हमारी दीदी ने मेरी महफूज जगह एक किताब दी थी, तो उस किताब में हमने एक कविता भी पढ़ी. मैं बोलूँगी उसमें हमने बहुत कुछ सीखा. सबसे फर्स्ट सेक्शन में हमने बहुत सारे क्वेश्चंस लिखे थे मन से कि क्या हमें हमारे मन में क्या क्वेश्चंस चल रहा है. हम लोगों ने एक सेक्शन में इसकी भी बात की थी, उसमें हमारे स्कूल से घर तक की जो जगह है उसमें कौन सी जगह सेफ है. मैं अपने आप पर भरोसा करने लगी हूँ जब से मतलब ये दीदी मेरी लाइफ में आए हैं. मुझे बहुत अच्छा लगा बच्चों के लिए महफूज जगह क्रिएट करके. मतलब कभी कभी कुछ बच्चों का ऐसा आता है कि दीदी ऐसा सपोर्ट कभी नहीं मिला हमें. दीदियों से हमने ये सीखा कि अपनी ज़िंदगी में हमें अपने ज़रूरतें और अपनी चाहतों को पूरा करना है, और हमें अपने हक के लिए लड़ना है और अपनी आवाज़ हमेशा उठानी है. इस जर्नी के थ्रू मैं बच्चों से एकदम कनेक्टेड फील कर पाई हूँ. I think for me this journey has been really personal because most of my learnings happened on field while talking to my girls, and I really value the relationship that I have with them. ये काफी नया रहा है मेरे लिए कि बच्चे ही मुझसे सीखे और मैं भी उनसे सीखूं. So I think one of my key learning experiences from this journey has been realizing that how important it is to include adolescents and children in decision making, and how experiences of gender are very different when you're an adolescent, because in some ways you're seen as a woman in making, right? हाँ, सीखा तो मैंने बहुत कुछ है. टेक्नोलॉजी चीज़ों के बारे में सीखा, बात करना सीखा, लोगों से कैसे बात करनी है ये सीखा, लड़कियों से कैसे बात करनी है, या फिर आपको मतलब कि आगे जाके क्या करना है ये भी सीखा. तो एक ये स्किल जो पेशेंस है वो मेरे यहाँ से ही बिल्ड हुई है, और आई गेस वो मेरे साथ रहेगी. जस्ट द वास्ट डेमोग्राफिक और द वास्ट वैरायटी ऑफ कम्युनिटीज एंड everything that I have gotten to experience has been the highlight of my experience at TGL with the fellowship. बचपन से यही सिखाया गया है कि दूसरों के बारे में सोचो, दूसरों के बारे में सोचो. यहाँ पर आकर मैंने सीखा कि खुद के बारे में सोचना सबसे बड़ी बात है, और पहले वही चीज़ होनी चाहिए कि पहले खुद के बारे में सोचो. तो जब मैं स्पेस में बैठती हूँ तो बहुत ही इमोशनल फील करती हूँ सबसे पहले कि वाह,
मतलब एक मिनट के लिए विश्वास नहीं होता कि हाँ सच में ऐसा स्पेस है, मेरे को सुन रहे लोग और बिना किसी जजमेंट के सुन रहे हैं, तो वो मेरे लिए बड़ी वाव फीलिंग होती है। तो मैं सोचती थी कि फेमिनिस्ट सुनने में आता है कि औरतों से जुड़ा हुआ है कुछ, पर ये बुरा क्यों बोलते हैं सब लोग, हमेशा क्वेश्चन रहता था। सो इस फील्ड में आने के बाद थोड़ा और क्लियर हुआ, जैसे रिफ्रेशर कैंप में जब मैं मुंबई फेलोज से मिली तो उनके लिए हर किसी के लिए फेमिनिज्म का मीनिंग क्या है वो और गहराई से जानने को मिला। तो मैंने बोला था कि मैं ऐसा है कि अब मैं बोल सकती हूँ कि मैं भी एक फेमिनिस्ट हूँ। बहुत ही कम दोस्त थे पहले, अब यहाँ आके मेरे को फेलो है जो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे बहने हैं और मेरे मतलब लॉन्ग टाइम तक ये दोस्ती हमारे रह सकती है। आई थिंक आई हैव ऑलवेज फाउंड फॉर्च्यून इन फ्रेंडशिप्स विद वुमेन। अगर फेमिनिज्म को जिंदा रखना है ना तो बहन चारा बहुत जरूरी है। बोलते ना एक एनर्जी, अलग ही एनर्जी है इस पूरे जितने भी मेरे को फेलोज हैं या फिर जितने भी टीम मेंबर्स हैं, तो मुझे लगता है कि उनके पास जाना मतलब एक एनर्जी के पास हम जा रहे हैं, तो मुझे अच्छा लगता है। फेलोशिप को अगर मुझे एक एक शब्द में बताना होगा तो मैं बोलना चाहूँगी कि आज़ादी, हिम्मत, कमिंग टुगेदर, न्यू लाइफ, न्यू रुचित, मुझे खुद से बुलाने का एक जरिया, चैलेंजिंग, आउट ऑफ माय कंफर्ट जोन, फ्रीडम, कमाल धमाल फेलोशिप है कि आई लव यू फॉर ऑल ऑफ यू, इंटरेस्टिंग, एक लाइक समंदर टाइप जो मैंने क्रॉस कर लिया, उम्मीद और खुशी।